फ्रेंड्स, आज घर पे रखा है छोटा सा गेट टुगेदर, अपनी फ्रेंड्स को बुलाया है सबको, तो बस उसी की तैयारी है। और मैंने पहनी है ये साड़ी। तो इस छोटे से गेट टुगेदर के लिए मैंने कल से ही तैयारियां शुरू कर दी, यानी एक दिन पहले से। तो बना लिया था छेने का ये रसगुल्ला, और आज सुबह बनाया पार्टी के दिन रसमलाई। तो इसी छेने के रसगुल्ले की चाशनी निकाल कर रबड़ी में 5 मिनट के लिए पका लें तो ये रसमलाई तैयार हो जाती है। तो एक ही चीज़ से आप 2 डिश बना सकते हैं और तारीफ़ उतनी ही पाएंगे। बहुत अच्छा बना दोनों ही चीज़ें। तो केवल छेने के रसगुल्ले को बनाएं और उससे 2 तरह की मिठाई आपकी तैयार हो जाती है बहुत ही ईजिली। और उसके साथ ही कुछ घर में चेंज लाने के लिए मैंने यहाँ अपने लिविंग एरिया में सोफे पर लगाया है ये लेमन ग्रीन कलर का कवर, और उसके साथ ही फूलों की लड़ियाँ, आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, और कोचिया के गमले दोनों तरफ स्टूल लगाकर मैंने रख दिए, जिससे एक थोड़ा लुक चेंज हो गया रूम का, थोड़ी ग्रीनरी अच्छी लगने लगी। और उसके साथ ही नाश्ते के लिए मैं तैयार कर रही हूँ ढोकले का बैटर। तो इसमें कुछ भी मसाला या नमक डालने से पहले मैंने इसे थोड़ा सा निकाल दिया है अपने लिए, और इसे मैं लगाऊंगी एक फेस मास्क की तरह अपने चेहरे पर। तो ढोकले के बैटर में सूजी और बेसन और दही पड़ा हुआ है, जो कि गुनगुने पानी के साथ मैंने ये बैटर तैयार किया है। तो इसे फेस पर लगा लिया है, और जब तक ये फेस पैक मेरा सूखेगा तब तक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कॉफ़ी का सिरप जो मैंने तैयार किया है। इससे बहुत ही अच्छा झाग वाली कॉफ़ी तैयार होती है। तो ले 3 चम्मच भरकर कॉफ़ी लिया है नेस्कैफे कॉफ़ी का पाउडर, और जितने चम्मच आपकी कॉफ़ी हो उसका जस्ट डबल रहेगी शुगर। तो मैंने लिया है 3 चम्मच कॉफ़ी और 6 चम्मच चीनी, और इसमें 1 या 2 आइस क्यूब्स डालकर इसे पल्स मोड पर ग्राइंड करना है। और पहले पाउडर बना लें शुगर और कॉफ़ी पाउडर का, तो जब ये पाउडर बन जाए तो इसमें आइस क्यूब्स डालकर 1-1 सेकेंड के पल्स पर इसे चलाएं 5 मिनट के लिए। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मॉइस्ट होकर पिसना शुरू हो जाएगा, और बाद में एक अच्छा फोमी झाग, फोमी जैसा ये लिक्विड तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, उतना तो मैंने रख दिया है शीशी में, फ्रिज में रख दूंगी, और ये आज काम आएगा। तो इसे फ्रिज में ही रखना है, जब कॉफ़ी बनानी होगी तब मैं निकालूंगी। और इसी के साथ सूख गया ये फेस पैक मेरा, और फेस पर अच्छी क्लीन हो जाता है और थोड़ा सा शाइन आ जाती है। और उसके बाद इस बैटर में डाला अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट और थोड़ा सा सोडा नमक, और इसे बना दिया है। चूँकि सावन है तो थोड़ा तो ग्रीन बनता है, और साथ ही डाली है ग्रीन चूड़ियाँ। तो पार्टी की पूरी तैयारियां कर अब सबका आने का समय हो गया है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आराम भी कर चुकी हूं, और ये साड़ी पहनकर मैं हूं रेडी। आप बताइएगा ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर। और उसके साथ पानी के लिए ये रसमलाई मैंने सर्व की, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और नाश्ते में फिर देते समय, सर्व करते समय छौंक लगाई है ढोकले पर, और गरम गरम ढोकले और चटनी, सब ने खूब इंजॉय किया। और सब फ्रेंड्स जब मिलते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, हम लोगों को खूब इंजॉय करते हैं। तो थोड़ी गपशप, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा हंसी मजाक, सब कुछ हुआ। और फिर हुआ फ़ोटो सेशन, जो मैंने ये सेल्फी पॉइंट बनाया है यहाँ पर, सब ने खूब अच्छी फ़ोटो खिंचवाई, और पीछे गार्डन में भी बहुत ही इंजॉय किया हमने। और ये है बेस्ट मोमेंट हमारे आज की गेट टुगेदर का, और ये अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगे हुए हैं, अभी मीठे मीठे से अमरूद हैं, तो सबने खुद हाथ से तोड़े और खाए, तो इसका तो मज़ा ही अलग है। तो अमरूद को या किसी भी फल को आप हाथ से तोड़कर जब खाएं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है, और दोस्तों का साथ हो तो कहने ही क्या।
तो सबकी भाग दौड़ की ज़िंदगी और सबके अपने अपने काम है, लेकिन फुर्सत के कुछ पल निकालना बहुत ही ज़रूरी है हमें अपने लिए। तो बस हो गया ये कुछ समय का गेट टुगेदर, थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड हुआ और लास्ट में सर्व की है मैंने कॉफ़ी। तो देखिए जो ये फोम मैंने बनाया था कॉफ़ी और शुगर का, उसे एक एक चम्मच आप कप में डालें और उसके ऊपर उबलता हुआ दूध इस तरह से अच्छी धार देकर ऊपर से डालें तो एक अच्छा झाग तैयार हो जाता है कॉफ़ी में। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसे फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं और जब आपको कॉफ़ी पीना हो बस इसे एक चम्मच कप में पहले डालें और ऊपर से दूध ऐड करें और ऊपर से आप चाहें तो कॉफ़ी सिरप या कॉफ़ी पाउडर छिड़क कर आप इसे और भी अच्छा टेस्टी बना सकते हैं। एक महीने के करीब आप इस चीज़ को रख सकते हैं फ्रिज में, ये अच्छा बनी रहती है। तो चम्मच से लास्ट में इस तरह से चला दिया और बहुत ही टेस्टी और झाग वाली कॉफ़ी है तैयार। और फिर हुई कॉफ़ी के साथ थोड़ी सी गपशप और अब बस सबके चलने का समय हो गया है। तो बहुत ही अच्छा समय बीता और खूब हंसी मजाक और मज़ा आया दोस्तों के साथ, काफ़ी दिन बाद हम मिले। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आज का पूरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें और खुद को खुश रखें और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।